Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. This is the part 3 of calculator development. So must watch the previous part of this video, then read it. Hello and welcome to Web Institution. In this whole video, we are going to create a custom development design using CSS language. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये calculator development का part 3 है, जिसमें हमें part 2 के continuation में work करना है. गाइज ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले. सिंपली प्रीवियस वीडियोज में जो हमने डॉक्यूमेंटेशंस बनाया था उसको मैं एडिट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे काम कर सकूँ. ओके सो जरा मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का यूजर इंटरफेस हम लोगों ने क्रिएट किया था. यस, यूजर इंटरफेस क्रिएटेड है. हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे डिज़ाइन करना है और परफेक्ट रूप से. क्लियर? तो डिज़ाइन करने के लिए मैं उपयोग करूँगा CSS लैंग्वेज का. ओके सो सबसे पहले मैं इस फील्ड को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ. तो ध्यान से देखिए, पहला तरीका है स्टाइल की बॉडी में कि मैं इनपुट राइट करूँ. क्लियर? और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू राइट करूँगा. सपोज करें हमने राइट किया प्रॉपर्टी 200 पिक्सल्स विड्थ के नाम से, तो इसका मतलब क्या होगा, जरा आप इसको रन करके चेक करें. क्या हुआ, सारा एलिमेंट डिज़ाइन हो गया. हमें कौन सा एलिमेंट डिज़ाइन करना है, हमें सिर्फ ये एलिमेंट डिज़ाइन करना है, ये वाला एलिमेंट. तो हमने लिखा इनपुट, तो इसका मतलब है हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनल स्टाइल सेट. तो इंटरनल स्टाइल सेट का मतलब है जिस एलिमेंट का आपने यहाँ नाम लिखा वो एलिमेंट बॉडी में जहाँ जहाँ मौजूद होगा वहाँ वहाँ एक बार में डिज़ाइन हो जाएगा. इसलिए बटन्स और ये फील्ड सारे इनपुट टैग से ही बने हैं, इसलिए सारे बटन्स का और ये इनपुट फील्ड का विड्थ 200 पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया. मैं स्पेशली इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट तो मैं लिखूँगा, यानी कि मैंने इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं उस इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू टेक्स्ट है. क्लियर? तो जरा आप ध्यान से देखिए, यही एक ऐसा इनपुट फील्ड है जिसमें टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू टेक्स्ट है, बाकी इनपुट फील्ड के टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू बटन है. तो अब इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूँगा वो उन्हीं में एक्टिवेट होंगे जिन इनपुट फील्ड का टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू टेक्स्ट होगा. क्लियर? सो अब मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ. सिंपली मैं विड्थ पास करने जा रहा हूँ 90%. इसका मतलब क्या हुआ, ये जिस डब्बे के अंदर होगा उस डब्बे के 90% में इसका विड्थ अरेंज हो जाएगा. क्लियर? ओके तो अब मैं अगर हाइट बढ़ाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा हाइट प्रॉपर्टी. सिंपली मैं हाइट रखता हूँ 30 पिक्सल्स. क्लियर? परफेक्ट है 30 पिक्सल्स. ओके, हाइट में थोड़ी सी कमी है, विड्थ में थोड़ी सी कमी है, तो मैं विड्थ को बढ़ा देता हूँ. जैसे मैंने रख दिया 95%, तो इसका मतलब है इस डब्बे के 95% में इस इनपुट फील्ड का विड्थ अरेंज हो जाएगा. क्लियर? और परफेक्ट बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जरा आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा गैप्स है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा भी गैप नहीं है. तो अगर मैं इस इनपुट फील्ड को चारों दिशा से थोड़ा सा खिसका दूँ तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट नज़र आएंगे. तो इस इनपुट फील्ड को अगर मैं चारों दिशा से खिसकाना चाहता हूँ तो मैं लगाऊँगा मार्जिन प्रॉपर्टी. क्लियर? और फिर मैं वैल्यू पास करने जा रहा हूँ 5 पिक्सल्स. तो इसका मतलब है ये इनपुट फील्ड चारों दिशा से 5 पिक्सल्स खिसक जाएंगे. क्लियर? ये ऊपर से भी 5 पिक्सल्स खिसके हैं, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी. ओके, ये डिज़ाइन हो गया. अब हमें डिज़ाइन करना है इन सारे बटन्स को, तो इनको भी डिज़ाइन करने के लिए हम यही मेथड अपनाएंगे. इनपुट को सेलेक्ट करेंगे, बस टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू डिफाइन करेंगे बटन. तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसा ही इनपुट फील्ड सेलेक्ट हुआ
जिनमें टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू हमने बटन डिफाइन किया है। तो ध्यान से देखिए, हमने जो भी बटन्स बनाया है 1, 2, 3, 4 सब में टाइप एट्रीब्यूट का वैल्यू बटन है। तो इसका मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ पास करूँ तो इनका इफेक्ट इन सारे बटन्स में हमें नज़र आएगा। क्लियर? सो सिंपली मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ओके, मैंने विड्थ पास किया 80 pixels। क्लियर? हाइट में रख देता हूँ 40 pixels। क्लियर? रन करके आप चेक करें। यस, ओके। सो कुछ प्रॉब्लम्स है गाइस, थोड़ा सा मैं इस डॉक्यूमेंट में पहले से एडिट कर चुका हूँ। मैंने इसका हाइट रखा था पहले 400 pixels। ओके, सो इस मोबाइल का साइज़ मैं सही कर रहा हूँ। इस मोबाइल का साइज़ था 450 pixels शायद। ओके, 450 pixels परफेक्ट है। ओके, अब हम इसे डिज़ाइन करते हैं बटन्स को। कुछ बटन्स जरा आप ध्यान से देखिए बिखर कर नीचे आ चुके हैं। इनका मतलब है बटन्स का विड्थ हमने ज़्यादा रख दिया है। तो मैं बटन्स का विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 60 pixels। सेव करके चेक करें, अब बहुत छोटा हो गया, 70 pixels। ओके, यस, परफेक्ट है। थोड़ा सा हाइट मेंटेन करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ये 5 नीचे क्यों आ रहा है जरा इसको मैं देखता हूँ। तो 5 नीचे आने का कारण नीचे हो सकता है, जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। सेव, ओके, परफेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 डेसिमल, कैंसिल वगैरह वगैरह। क्लियर? सो मैं हाइट थोड़ा सा और बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मैंने हाइट रख दिया 70 pixels, काफ़ी बड़ा है। 60 pixels मैं डिफाइन करता हूँ, परफेक्ट। ओके, सो इसे और परफेक्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ। जरा आप ध्यान से देखें, राइट साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारे डब्बों को थोड़ा सा खिसका सकता हूँ चारों दिशा से। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा मार्जिन प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करता हूँ 2 pixels। इसका मतलब है सारे डब्बे चारों दिशा से 2 pixels खिसक जाएंगे। क्लियर? ये खिसक गए और विड्थ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये नीचे ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं विड्थ को थोड़ा कम करता हूँ। मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया 64 pixels। क्लियर? रन करके आप चेक करें। ओके, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाया जा सकता है, अब 68 कर दे, चेक करें 68 में, 68 परफेक्ट है। गाइज, यह डिज़ाइन हो चुका है। एक प्रॉब्लम है, आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो इक्वल है इसमें हमें कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ इस इक्वल में थोड़ा अलग डिज़ाइन क्रिएट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा? ये इक्वल में भी इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन पास्ट है, इसलिए ये इक्वल भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन हो रहा है। अब मैं सिर्फ इक्वल में बदलाव करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे इनलाइन स्टाइल सेट का यूज करना होगा सिर्फ इक्वल वाले बटन में, क्योंकि इनलाइन स्टाइल सेट उन्हीं में यूज़ किया जाता है जिनको हम स्पेशली बदलना चाहते हो। तो इनलाइन स्टाइल सेट को एक्टिवेट करने के लिए आप लगाओगे स्टाइल एट्रीब्यूट और इसके वैल्यू में डिफाइन करोगे CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू और फिर टर्मिनेट कर दोगे। क्लियर? तो आपको क्या डिज़ाइन करना है शो देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ाऊँ, तो सिंपली मैंने पास किया विड्थ प्रॉपर्टी। क्लियर? और फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे इसका विड्थ 80% रखना है। क्लियर? सेव करके रन करें। यस, ओके। मैं चाहता हूँ हाइट थोड़ा सा कम कर दूँ, ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट हमने हाइट डिफाइन कर दिया है वहाँ, फिर भी मैं कस्टम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, यानी कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ इनलाइन स्टाइल सीट से। क्लियर गाइस? हम इनलाइन स्टाइल सीट के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उन्हीं को फॉलो करके इस तरह से बताया जा रहा है। क्लियर? इसलिए इसका और भी मेथड हो सकता है, इससे सिंपल मेथड हो सकता है, लेकिन मैंने अभी वो चीज़ आपको नहीं पढ़ाया है। तो मैं हाइट कम कर देता हूँ, हाइट मैंने डिफाइन कर दिया 35 pixels। ओके, टर्मिनेट कर दे, रन करके चेक करें, हाइट काफ़ी कम हो गया। आप हाइट बढ़ा सकते हो, 45 कर सकते हो। यस, परफेक्ट है। अब मैं चेंज करता हूँ इसमें थोड़ा सा,
मैं काम करता हूँ, इसका वेट थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 90% कर देता हूँ, रन करके चेक करता हूँ। फिर मैं इसे सिर्फ बाएं से खिसकाना चाहता हूँ, तो मैं लगाऊंगा मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी। कितना खिसकाना चाहता हूँ? 10 पिक्सल्स। क्लियर? ओके। और खिसकाना चाहता हूँ तो इसके वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा, तो इसका मतलब है ये 12 पिक्सल्स सिर्फ बाएं से खिसकेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पास किया है मार्जिन लेफ्ट। क्लियर? इसे और थोड़ा डेकोरेट करते हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी 4 पिक्सल्स। क्लियर? बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ तब किया जाता है जब किसी शेप को राउंड में कन्वर्ट करना हो। तो हमने लगाया बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी और वैल्यू है हमारा 4 पिक्सल्स। तो ये जो इक्वल वाला बटन है वो चारों कॉर्नर से 4 पिक्सल्स राउंड हो जाएगा। जरा आप ध्यान दें, ये चारों कॉर्नर से 4 पिक्सल्स राउंड हो चुका है। क्लियर? सो गाइज, इसके आगे का प्रैक्टिकल सेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले CSS को अच्छी तरह से पढ़ ले। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको CSS का वीडियोस मिल जाएगा। ओके? और स्टेप बाय स्टेप पढ़े, जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाएंगे। ओके? सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।